हे माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारा नमस्कार। राम राम। तो आज के इस नए ब्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं, और मेरे ब्लॉग को अगर अच्छा लगे तो फुल एंजॉय करिए, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने अभी मतलब नहा धो के बस आई थी और कुछ किया भी नहीं था, सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। वैसे तो ब्लॉग शूट करने में समझ नहीं आता क्या डालें, लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालूँगी, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँ। मुझसे हो नहीं पाता है ये सब, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी। शॉर्ट वीडियो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, पर लॉन्ग के लिए मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या दिखाऊँ, तो लेकिन अब कुछ ना कुछ करूँगी। थोड़ा सा ही आप अपने बारे में आप लोगों को बताऊँगी, ज़्यादा नहीं यही बताऊँगी। तो सुबह के बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं, अभी 8 एग्जैक्ट नहीं बजे हैं, और मैं नहा धो के आ गई हूँ। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है, ना बाल बनाया ना कुछ किया है, चाय वाय पी लिया है मैंने, और मैं अब कुछ करती भी नहीं हूँ। मतलब सुबह के टाइम में मेकअप नहीं करती हूँ, वैसे घर पे रहती हूँ तो मैं मेकअप करती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कंघी भी नहीं की है, क्योंकि गाय 4-5 दिन से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम के चलते मैं इतना थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि रात में जैसे लगा कि अभी एक पेपर और है, लेकिन मैंने थोड़ा सा 2-4 दिन का गैप हो गया तो आज जैसे लग रहा था कुछ रिलैक्स हुआ नहीं, लगातार पेपर, जैसे लग रहा था माइंड ही काम नहीं कर रहा, दिमाग लग रहा था मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, इतना ख़राब हो गया, इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं हेडेक की वजह से, किस वजह से मुझे रीज़न नहीं पता है। मैं खड़ी हो रही थी, ना खड़ी हो पा रही थी, ना चल पा रही थी, ना ज़्यादा ऐसी लग रहा था चक्कर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाती पीती थी नहीं थी, सुबह जाती थी पर शाम को आती थी तो कुछ खाती थी, मतलब दोपहर में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, और समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कल का पेपर एकदम ख़राब जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक ठाक था। और गाइस, आज मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा, यहाँ सा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था घर, मैं आज फ्री हुई हूँ, सोचा कि थोड़ा सा इधर उधर मतलब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने ढेर सारा कपड़ा निकाला है, बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल ली है, और उसको धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया। और साड़ी जो मैं डेली वेयर करके जाती थी आती थी तो इतना, और फिर घर के ड्रेस में आ जाती थी, नाइटी वगैरह जो भी घर पे पहनती हूँ, मतलब जिसमें कंफर्टेबल रहें हल्की साड़ियाँ, तो वो डाल लेती थी। नई नई साड़ियाँ जो थी वो भी धुलने के लिए रखी हैं, तो उसको हाथ से वॉश करूँगी उसको, क्योंकि मशीन में नई नई साड़ियाँ हो जाती हैं ख़राब। तो आज मैंने ढेर सारा कपड़ा निकाल लिया, अभी रूम की भी सफाई करनी, बाहर की भी सफाई करनी है, सब कुछ पड़ा है, अस्त व्यस्त है। थोड़ा सोच रही थी आज कर लूँगी आराम से, और आप लोगों से थोड़ा बात भी कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने मशीन में, मैंने जैसे कपड़ा डाला था ऐसे लाइट चली गई, अभी हाथ से रखने धुलने के लिए रखा है। गाय जी देखिए, मैंने जैसे ही बोला वैसे लाइट आ गई, ये देखिए आ गई लाइट। और अब मैं चलती हूँ, मतलब अब चलूँगी वॉश करूँगी, मशीन में डाल दिया है मैंने कपड़ा, वो तो वॉश ही हो रहा है, और हाथ से जो धुलना है उसको भी धुल लूँगी। तो ये देखिए सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, सब मतलब सब कुछ सब सही करना है, 10 मिनट और उसके बाद आती हूँ सफाई करने, क्योंकि सुबह उठती हूँ इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना कि सुबह कुछ साफ सफाई करने का मन नहीं किया, अभी कर लेती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में क्या कैसे करती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग को और एंजॉय करिएगा। मिलते हैं, थोड़ी चल रही हूँ नीचे, और नीचे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कुर्सी में खड़ा रहा हूँ। तो फाइनली ये देखिए, ये पूरे छत पे मैंने कपड़ा धुल के डाल दिया, जिधर भी देखेंगे सब कपड़ा ही कपड़ा डाल दिया है, और कपड़ा धोने का काम ख़त्म हो गया है। अब रह गई मतलब रूम की सफाई,
और इतना कपड़ा धुलने के बाद ये सब हैंड वॉश किया है मैंने, हाथों से धुला है, और बस वही बेडशीट वगैरह जो थी वो मशीन में डाला है मैंने। और यहाँ पे ये गद्दा, तभी थोड़ा सा सोचा कि धूप दिखा दें क्योंकि बारिश का सीजन है तो अजीब अजीब सी स्मेल आने लगती है। और इतना करते करते तो अब लग रहा है थकान आ गई है, फिर देखते हैं अभी कर लेते हैं सफाई। शाम तक तो फिर ही कर ही लेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे तो शाम तक तो फाइनली कर लेंगे। और इस धूप का क्या कहा जाए, कभी बादल हो जा रहे हैं तो कभी तगड़ी सी धूप हो जा रही है, कभी डर लगता है पानी बरसने लगेगा तो इतना कपड़ा हम कैसे हटा पाएंगे, फिर कभी इतनी तेज़ धूप हो जाती है लगता है कभी आधे घंटे में सब सूख जाएगा मोटा पतला सब। तो इस तरह से, और आज मतलब इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं अगले ब्लॉग में क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, मतलब ब्लॉग को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा तुम्हारी, ताकि हमारी अगली वीडियो अब तक ज़रूर पहुँचे। और ये देखिए मैंने पिन भी नहीं लगाई है आज, वैसे तो मैं गर्मी में ज़्यादा लगाती नहीं हूँ जिसकी वजह से अच्छा नहीं दिख रहा है, और साड़ी भी बहुत संभालना पड़ता है क्योंकि हैबिट नहीं है ना, आदत ही नहीं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।